Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome all. Welcome back. Okay, so we were discussing the present continuous tense, right? And present continuous tense par rahe the. So let's proceed that. Farhan, now enough, please. Then we'll discuss about this. So present continuous tense. Farhan. Present continuous tense. What is present continuous tense, Fatima? Yes, sir. What is present continuous tense? Sir, jo abhi ho raha hai. English. It shows those actions which are going on. It shows those actions which are going on. Ye wo kaam hame dikha rahe jo abhi ho rahe ho. Then we discuss about the positive syntax, negative syntax, and interrogative syntax. Now we will discuss the positive syntax. Positive syntax mein jo kaam abhi ho rahe ho. आप उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आप बताएंगे विद हेल्प ऑफ पॉजिटिव सिंटैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद रूट्स. क्लियर? सो सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रूट्स. Now we will discuss एक एक करके से डिस्कस करेंगे. सो फरहान जरा ध्यान से, शहजादी आप भी, फातिमा आप भी, ओके समीर, एवरीवन. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? अब इधर मैं आपको रफ में करवा रहा हूं, इधर. नाउ हियर ऑन दिस वे. लेट्स डिस्कस द सब्जेक्ट फर्स्ट. सब्जेक्ट क्या है? Subject means the doer of an action. काम करने वाला या करने वाले को हम कहते हैं subject. काम करने वाला या करने वाली, that's called subject. The doer of an action is called subject. Now remember, we are having seven subjects. हमारे पास seven subjects हैं. He, she, it, I, you, we, and they. For example, if I say he is jumping. Now over here, which one is the subject? He is the subject. क्योंकि he क्या कर रहा है? काम कर रहा है. और if I say Sarah is eating the dinner. Now where is the subject, Fatima, here? Sarah is eating the dinner. Sarah is eating the dinner. Eating. Subject का मतलब the doer of an action, काम करने वाला या करने वाली. So Sarah is eating the dinner. इसमें subject क्या है? Sarah. Sarah है ना, काम कर रही है ना Sarah. Eating क्या काम हो रहा है? Eating पे eating हो रहा है. किस पे हो रहा है? डिनर पे हो रहा है. काम कौन कर रही है? सारा. सारा. सो सारा इज व्हाट? सब्जेक्ट. काम करने वाला या करने वाली को हम सब्जेक्ट कहते हैं. काम करने वाला या करने वाली. नाउ ओवर हियर इफ आई से यू आर स्टडिंग, फरहान यू आर स्टडिंग, वेयर इज द सब्जेक्ट हियर? Sir, you. You, because you is doing the action. अब तो ये subject समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Now अभी हम बात करेंगे to be verb. What is to be verb? Now we'll discuss about the to be verb. To be verb. To be verb होता क्या है actually? Is am
are is called to be verb. SMR को हम to be verb कहते हैं. What? SMR is called to be verb. SMR is called to be verb. SMR ये to be verb कहलाता है. Now, is किसके साथ इस्तेमाल होता है आप सबको पता है ना? Is किसका इस्तेमाल होता है? He के साथ, she के साथ, it के साथ या सिंगुलर नेम्स या एक के साथ. फॉर एग्जाम्पल ही इज, शी इज, इट इज, ईमान इज, फरहान इज, समीरा इज, फातिमा इज, अली इज, अहमद इज, कंजूल इज, हाजरा इज. राइट? इज इज यूज विद ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स के साथ. नाउ यस एम इज यूज ओनली एंड ओनली विद आई. एम जो है ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है. आई एम बस, और किसी के साथ नहीं. देन वी आर हैविंग आर. आर किसके साथ इस्तेमाल होता है? आर इज यूज विद यू, वी, दे, या वी कैन से प्लूरल्स. यू, वी, दे के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे आप? आर. फॉर एग्जाम्पल शहजादी, वी आर, यू आर, दे आर, अली एंड अहमद आर, सारायन अलीशा आर, या मैं कहता हूं ईमान एंड फरहान आर सिबलिंग्स. ये टू बी वर्ब है. आई होप इट्स क्लियर. ये भी क्लियर हो चुका होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब. अभी हम वर्ब के बारे में बात करेंगे. वर्ब, व्हाट इज वर्ब? इट शोज द एक्शंस. ये किसी काम के बारे में हमें बताता है. इट शोज द एक्शन. ये किसी काम के बारे में हमें बताता है. राइट? लाइक हाउ, जैसे कि मैं कहता हूं कम, ईट, स्लीप, ओपन, क्लोज, ये सारे हमारे पास क्या है? वर्ब्स है, एक्शंस है. दीज आर द एक्शंस, ये वर्ब्स है सारे. अब वर्ब में जो है, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इसकी तीन किस्म की शक्ल है, थ्री फॉर्म्स. अभी का नाम है फर्स्ट वर्ब, ये हमसे कहते प्रेजेंट वर्ब. दूसरे का नाम है सेकंड वर्ब, जिसे हम कहते पास्ट वर्ब. तीसरे का नाम है थर्ड वर्ब, जो कि परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. इसके बारे में और भी हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे, सो यू विल हैव नो कंफ्यूजन. फर्स्ट वर्ब, दिस इज सेकेंड वर्ब, यस आई नो. सो फर्स्ट वर्ब फॉर एग्जाम्पल हमारा है ईट. सेकेंड वर्ब हमारा है एट. एंड द थर्ड वर्ब इज ईटन. Yes, they will check the recording. और recording check करेंगे, okay? Because ये रह जाएगा, फिर कल भी आज भी नहीं, कल भी नहीं हुआ. They will check the recording. Eat. Second, first verb is come. Second verb is came. And third verb is come. Okay. Now, yes, Hajra has network problem. Then, ask. First verb, asked. Second verb, asked. Third verb. अच्छा ये भी समझ आएगा. तो so first verb ये है हमारे पास. Verb के साथ आप क्या लगाएंगे? ing. तो जब आप ing लगाते हैं इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा? For example, eating. Coming, asking. First verb आपने ing लगा दिया. For example, eating, coming, asking, studying, opening, closing, eating, sleeping, writing, reading. और जो रह गए rots. Now what is rots? Rots roots. इसका मतलब है r का मतलब rest, o का मतलब है off, the sentence,
rest of the sentence. Rest of the sentence means baki manda jumle. Khud se aapne jo bhi ho khud se lagana hai. That is our roots. That is the rest of the sentence. So positive sentence kise kehte hai jo kaam ho raha ho. Kaise batayenge? सबसे पहले उस सब्जेक्ट का नाम लेंगे. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही शी इट, आप में कोई भी काम कर रहा हो. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक हो, तो आप इज इस्तेमाल करेंगे. अगर सब्जेक्ट आई हो तो एम इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट यू वी दे ये प्लूरल हो तो आप आर इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद फर्स्ट के साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी. और ये जो रूट्स है ना, आर ओ टी एस रूट्स, ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी लगाना हो. सपोज इधर देखे, मैं एक जुमला लिख रहा हूं. She is reading the books. She is reading the books. Now over here, she kya ban gaya? Subject. Is kya ban gaya? To be verb. She is. She ke saath maine is laga diya. Dekhiye idhar maine likha hua to be verb. Aur read kya hai? Read. फर्स्ट वर्ब है. और ये आईएनजी क्या है? आईएनजी है. और द बुक्स क्या है? द बुक्स. और ये रूट्स में आता है बाकी मानदे जुमले. ठीक है, शी इज रीडिंग द बुक्स, वो किताब पढ़ रही है. मतलब एक्शन क्या है? गोइंग ऑन है, जारी है, कंटिन्यू है. एक्शन क्या है? कंटिन्यू है, जारी है, अभी एक्शन हो रहा है. सही. नाउ if I write another example, if I say Iman is cleaning the room, Iman is cleaning the room. Now over here, Farhan, ye kya kar rahe hai aap? Kya ye copy paste ho raha hai? Iman is closing the door. Iman क्या बन गया? Subject बन गया. Is क्या बन गया? To be verb बन गया. Clean first of ing, cleaning the room. Iman is cleaning the room. वो room साफ कर रही है. Clear? So any question till this? या तो किसी को problem है तो पहले ये पूछे जरा. फातिमा समीर, फरहान, शहजादी. यस सर. यस यस. एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नो सर. नो सर. नो. ओके समीरा, गिव मी टू एग्जांपल. ओके समीरा, गिव मी टू एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस. I'm attending the. तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं अभी क्लास ले रही हूँ? Oh, I am attending the class. Now I am attending the class, and Fatma is in the class. Okay. Yes, can I do one example more? Yes, why not? Hajra is not. In this class. Thank you, Samira. Yes, Fatima, can you give me two examples of present continuous? Yes. Yes, please. I am attending the class and Hamna Usnain are not present in the class. Hamna Usnain are sitting in the home, right? Present continuous. I am attending class. Hania and Afnan are not attending the class. Yes, sir. Thank you. Yes, Farhan, your two examples of present continuous. Yes, sir. Yes, please give me.
Yes, sir. So give me, come on. Sir? So give me. Okay, sir. Sir, Iman is taking the class. Iman is taking the class. Very good example. Alizia, what? Alizia is watching cartoon. Alizia watching cartoon. Okay. Thank you so much. Now, अभी जो ये तो positive syntax हो गया, positive जो काम अभी हो रहा है, जो काम अभी नहीं हो रहा है, फिर ये कैसे बताएंगे हम? That is a question to us. है ना? वो कैसे बताएंगे हम? Negative. तो negative बनाने के लिए काफी आसान है. Let's write negative syntax. So subject यही लाएंगे आप. फिर टू बी वर्ब यू विल ब्रिंग द टू बी वर्ब और टू बी वर्ब के साथ क्या एक्स्ट्रा करेंगे नॉट देन द फर्स्ट देन द आईएनजी देन द रूट्स पर हाँ लुक एट हियर सो टू बी वर्ब के बाद हम क्या इजाफा करेंगे नॉट कितना आसान है इधर देखे not. तो इस का क्या बनेगा इज नॉट एम का एम नॉट R का आर नॉट या आप इज नॉट को एजेंट भी कह सकते हो लाइक दिस यस सर या इसको आप एंट भी कह सकते हो बस जो ज्यादा बस लोग इसे एंट भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शी इज नॉट टेकिंग द क्लास शी एजेंट टेकिंग द क्लास शी एंट टेकिंग द क्लास और इसी तरह एम नॉट का जो है ना सिर्फ एंट हो सकता है आई एम नॉट टेकिंग द क्लास आई एंट टेकिंग द क्लास फिर हमारे पास ये जो है इट बिकम्स अरेंट और ये एंट भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट टेकिंग द क्लास दे अरेंट टेकिंग द क्लास दे एंट टेकिंग द क्लास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ये नेगेटिव हमारा हो गया है राइट राइट और नॉट प्रॉब्लम तो नहीं है नेगेटिव साइन टेक्स्ट में कोई मसला नहीं है कल मैं पूछूंगा फरहान मसला नहीं है तो नो आई विल आस्क टुमारो नाउ इंट्रोगेटिव जो सवाल यह है इंट्रोगेटिव साइन टेक्स ये कैसे कहेंगे सबसे पहले आप एक मिनट बैन हो
Okay. Now, अजान अभी इधर भी नहीं हो रहा है. अच्छा सवाल जब हमने पूछना हो तो सवाल कैसे पूछेंगे? There's a question to us. तो सबसे पहले ट्यूब लगा लें. ट्यूब लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा लें. राइट, सब्जेक्ट लगाने के बाद फर्स्ट ऑफ लगा लें, उसके बाद आई एन जी, उसके बाद रूट्स और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूरी है. फरहान डोंट मूव हियर इन दियर. क्या कह रहे हैं? डोंट मूव. Okay. So, Farhan, what is to be verb? What is to be verb, Farhan? Sir, can I say? No, no, sir, wait. Sir, can I say? Farhan is moving too much. Let me ask from him. Farhan, what is to be verb? Like minute. Farhan, what is to be verb? फरहान को नहीं आसान है. देखिए फरहान आप इधर इधर घूम रहे हो तो आपको क्या आएगा? शहजादी व्हाट इज टू बी वर्ब? देखिए सामने लिखा भी है, अभी भी फरहान को नहीं आ रहा है ना. सामने लिखा भी है देखिए स्क्रीन पर. शहजादी व्हाट इज टू बी वर्ब? शहजादी को भी नहीं आ रही. यस सर, आर फाइव. व्हाट इज एम आर? एक्सीलेंट फरहान, यू आर मूविंग हियर इन देयर. उसी वक्त मैंने आपको रोकना था, मैंने कहा सर आपका ध्यान होगा इधर. सर ये मैंने मानो को ही बताया ना. मैंने बताया मानो को. उसको जब आपसे मैंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया तो ये क्या बात हुई? He's lying. I'm not lying. Okay, Farhan, what is subject? Sir, subject. जो अभी काम कर रहे हो. The doer of an action. How many subjects are there? Yes, sir. How many subjects are there? कितने subjects हैं? Seven. अच्छा, द लॉयन इज कैचिंग द डॉग, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? द लॉयन इज कैचिंग द डॉग. द लॉयन इज कैचिंग द डॉग. यस, वेयर इज द सब्जेक्ट हियर? सर लॉयन. लॉयन बस काम कर रहा है ना, लॉयन कैचिंग हो रहा है ना. ओके नाउ लुक एट द स्क्रीन. अच्छा जब हमने सवाल करना हो ना, क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या वो ये काम कर रही है, तो सबसे पहले टू बी वर्ब को लाएंगे एज अ मार को पहले, उसके बाद उस सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर फर्स्ट प्लेस आई एन जी, वेरी गुड शहजादी, उसके बाद रूट्स, फिर क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, देखे एज ईमान राइटिंग द होमवर्क, क्या ईमान होमवर्क लिख रही है? अगर हाँ तो कहेंगे यस शी इज, अगर नहीं तो नो शी इज नॉट. या मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहता हूं, सो आई वुड से आर यू लर्निंग द टेस्ट, क्या आप टेस्ट याद कर रही हो? अगर हाँ तो कहेंगे यस आई एम या यस वी आर, अगर नहीं तो नो आई एम नॉट. समीरा
Yes, sir. Is Farhan turning on his camera? No, is Farhan? Yes. Is Farhan turning on his camera? Samira? Samira? Sir, azan ho rahi hai. So now my voice is coming. Sir, can you change the time? Okay, टाइमिंग एट द मोमेंट आई वुड से नो फिलहाल तो कोई चेंजेस का कोई इस तरह स्केड्यूल नहीं बन रहा है व्हाई ये नमाज अभी इसी टाइम हम क्लास को खत्म करेंगे नो प्रॉब्लम नमाज का कोई मसला नहीं है गाना वी हैव नो प्रॉब्लम विद द प्रेयर इंशाल्लाह नमाज का कोई इशू नहीं आएगा सही है फातिमा ओके सर इंशाल्लाह यू विल नो प्रॉब्लम ओके सो ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है हाउ वी कैन आस्क द क्वेश्चन सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे नो सर नो प्रॉब्लम आई हैव नो प्रॉब्लम नो सर ये मैं अपलोड भी करूंगा अभी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाकी स्टूडेंट भी देखे अगर फिर भी कोई मसला हो आप रिकॉर्डिंग में चेक कर रहे यू कैन आस्क मी टुमारो इंशाल्लाह फरहान ओके फरहान ओके सर यस शहजादी सॉरी फरहान बाबा मेरी वीडियो दिखा It's okay, he's your brother. So, thank you so much for joining the session today. May Allah bless you, bless your family, bless the entire globe. Take care, Allah Hafiz, and see you, man Allah.
Allah Hafiz, see you, man. Allah. Very good, Shahzadi. Excellent. Zabardast. Allah Hafiz, sir. Excellent, Shahzadi. Fantastic. I love Netscape. Ameen. Allah Hafiz, Shahzadi. Allah Hafiz, Shahzadi. Allah Hafiz, Shahzadi. Allah Hafiz, Shahzadi. Shahzadi, Allah Hafiz. Chale. Allah Hafiz, Fatima. Thank you.